DJ Sabah.
DJ Sabah.
अमल, बेकार की अमल, बेकार की अमल, बेकार की अमल, आशा की अमल, आशा की अमल, आशा की अमल, सच्चा दुआ, सच्चा दुआ, हमारे नबी की, हमारे नबी की, बेकार की अमल, बेकार की अमल, बेकार की अमल।
ये हमें मालूम नहीं था, इंसान तो थे लेकिन इंसान का मकाम क्या होता है ये हमें मालूम नहीं था, जानवर थे लेकिन जानवरों का शरीयत ने क्या हद रखा है ये हमें मालूम नहीं था। हजरत मोहतरम जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए तो माँ बाप को उनका मकाम अता फरमा दिया, बेटों को उनकी शफ़क़त करना सिखा दिया, बहनों को अच्छी नजर से देखना सिखा दिया। जब इस्लाम लेकर मुस्तफा जान अहमद इस दुनिया में आए तो सारी दुनिया को इंसानियत का सबक बना दिया। आज वो कहते हैं इंसानियत के खिलाफ, हजरत मोहतरम मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बगैर इस्लाम के तो इंसानियत मुमकिन ही नहीं है, बगैर इंसान इस्लाम के इंसानियत मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हमें इंसानियत का दर्स भी दिया है तो हमारे मजहब इस्लाम ने दिया है। हजरत मोहतरम ये है मुस्तफा जाने रहमत, तभी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इबादतिर रसूला, ऐ मोमिनो तुम पर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि तुम्हें अपना रसूल भेजा, सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। हमारे नबी ने हर हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। हजरत मोहतरम दुनिया का कोई खाना ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहाँ पर मुस्तफा जाने रहमत हमें राना दिखाते हो। हजरत मोहतरम कोई ऐसा खाना हमारी जिंदगी का नहीं जहाँ पे मुस्तफा जाने रहमत हमारी रहनुमाई न फरमाते हो। हजरत मोहतरम उसी रहनुमाई का नाम इल्मे शरीयत है। हजरत मोहतरम आज जब इंसान इल्मे शरीयत से हट जाता है तो गोया के मुस्तफा की रहनुमाई से हट जाता है, आज जब इल्मे शरीयत को राग देता है गोया के मुस्तफा की रहनुमाई की कदर नहीं करता। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफा जब इस दुनिया में आए तो हुजूर की आमद के लिए आसमान बनाया गया, जमीन हुजूर के सत्ते में बनाई गई, चांद और सूरज मुस्तफा के सत्ते में बनाए गए, क्यों? इसलिए कि आने वाला ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि आने वाला नबियों का नबी है, आने वाला रसूलों का रसूल है, आने वाला किसी एक खानदान के लिए नहीं आया है, आने वाला किसी एक महल्ले के लिए नहीं आया। पहले नबी आए कोई किसी महल्ले के लिए आया, कोई किसी इलाके के लिए आया, कोई एक बस्ती के लिए आया, कोई दो बस्ती के लिए आया, लेकिन जब अल्लाह ने मेरे महबूब को दुनिया में जल बगर फरमाया तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, महबूब हमने तुम्हें सारे आलमों के लिए रहमत और इंशाल्लाह अश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हाथ हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमें बारहवीं शरीफ मनाना चाहिए, 15 अगस्त क्यों मनाते हो? क्योंकि हमारा मुल्क आजाद हुआ है, वो हमारे लिए खुशी का लम्हा है, वो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन बारहवीं शरीफ पे पूरी इंसानियत आजाद हुई है, बारहवीं शरीफ पे पूरी इंसानियत शैतान के पंजे से आजाद हुई है, इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में ये दिन मनाया करते हैं। हजरत मोहतरम पैगाम मेरे पुत्र का मतलब ये है कि हुजूर जिस मिशन को लेकर आए उस मिशन पे अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जाहिर सी बात है वो फालतू में तशरीफ नहीं लाए, वो बेकारी में तशरीफ नहीं लाए, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का एक मकसद था दुनिया में आने का। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में आके हमें कुछ दर्श देना चाहते थे, जो हमारी बिगड़ी हालत थी उसको संवारना चाहते थे। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मेरे मुस्तफा जो मिशन लेकर आए उस मिशन पे काम करना ये मेरी और तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है। बोलो है कि नहीं, हाथ उठा के बताओ, बोलो लब्बैक क्या रसूल्लाह का मतलब समझते हो? लब्बैक क्या रसूल्लाह का मतलब होता है कि या रसूल्लाह ये जानो दिल हाजिर है, या रसूल्लाह ये चश्मा आंखें सब हाजिर है, ये दिल दिमाग सब हाजिर है, लब्बैक या रसूल्लाह, लब्बैक या रसूल्लाह, लब्बैक या रसूल्लाह, या रसूल्लाह।
देंगे, जबान मांगोगे जबान दे देंगे। हजरत मोहतरम, अब जब मुस्तफा जान रहमत इस दुनिया में आए, हमने नारा लगाया लबैक या रसूल अल्लाह, मतलब होता है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। अब आइए इस नारे का मतलब समझे, मतलब है कि या रसूल अल्लाह आप हमें जो हुक्म अता फरमाएंगे वो हमें कबूल है, हुजूर जो हलाल फरमा दें हम हाजिर हैं, आप हराम फरमा दें उसको मारने के लिए हम हाजिर हैं। तो हमें चाहिए कि मुस्तफा जाने रहमत के मिशन पर अमल करें। क्या मिशन है? थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत का मिशन है यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करना। आपको चाहिए कि आपके महल में, आपके पड़ोस में जो यतीम बच्चे हो उनकी खैर खाई करना ये अपना फर्ज बना लीजिए। यही मुस्तफा जाने रहमत का मिशन है। हजरात मोहतरम, जब हमारे घरों में शादियां हो तो शादियों में भी हमें मालो दौलत पे नजर नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो मुस्तफा ने कहा उसी सुन्नत के मुताबिक निकाह करना चाहिए। ये हमारे मुस्तफा जाने रहमत का मिशन है। हजरत, मुस्तफा का मिशन है कि हम पंजगाना नमाज उनके वक्तों पैदा करते रहे। मुस्तफा का मिशन है कि हम गुनाहों से बचते रहे, शराबों से बचते रहे, जुए से बचते रहे, और हर नेकाम की तरह जितना कदम उठाए। तो इंशाअल्लाह करीम मुस्तफा जाने रहमत भी आपसे खुश होंगे, पर अजर में मुस्तफा जाने रहमत का कुल पता होगा। इंशाअल्लाह करीम एक नारा लगाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, खाली किसी गरीब की खाली नहीं करते, खाली किसी गरीब की खाली नहीं करते। और अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं तुमको, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। और मैं कह रहा था मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, तो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। तो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। और वो किसी का भी मुल्क हो, मुस्तकीम नूरी का दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। दुनिया के हर कोने में, हर खत्ते में, हर जगह
हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की महफिलें सजी हैं, जुलूस निकल रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, आपकी तौसीफ हो रही है, आपकी लोग बड़ाइयां बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये हबीब और अपना अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को ऊंचा कर दिया। और देखो अल्लाह तआला ने कितना ऊंचा फरमाया अपने हबीब के जिक्र को कि आज तुम देख लो दुनिया में चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफ्रीका हो, अमरीका हो, दुनिया के हर खत्ते में, दुनिया के हर कोने में मेरे नबी के नाम का जुलूस निकलता हुआ नजर आ रहा है, बैठ के खाएंगे, बैठ के
इस पे अमल कर लिया तो 100 शहीदों का सवाब अल्लाह ताला फरमाएगा। वो कितना आसान है, कुछ सारे बैठ जाओ, खड़े होकर खाओगे, जब भी पेट में जाएगा बैठ के खाओगे, जब भी पेट में जाएगा खड़े होकर खाओगे, बीमारी बनाएगा गुनाह भी बढ़ेगा, बैठ के खाओगे ना बीमारी बनेगी और सुन्नत में जाओगी सवाब। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।